जी समीर जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में आपको क्या लग रहा है कि अब सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे क्या क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि सोयाबीन में रिकवरी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमने जब इम्पोर्ट ड्यूटी की कटौती की बात देखी थी तो उसके बाद काफी बड़ी गिरावट देखी गई जी। और पॉलिथ्रो सेलिंग में भी हमने देखा गया कि 1260 तक के स्तर भी बाजार में छुए थे, लेकिन वहां से एक रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो मुझे रिफाइंड सोयाबीन में पॉसिबल लग रहा है कि दोबारा हमें 1370 से 1380 के दाम दिख पाएंगे। लेकिन जहां तक सीपीओ का सवाल है, वहां पर मुझे लगता है कि सीपीओ में जो अपसाइड है वो लिमिटेड है। करंट लेवल से 1130 के करीब एक रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जब तक नहीं निकलती प्राइसेस तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और डाउनसाइड में 1080 से 1070 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे सेलोन रैलीज का रुझान लगता है जहां तक सीपीओ का सवाल है। सोयाबीन की बात करें तो हमने सोयाबीन वायदा में देखा है कि अक्टूबर फ्यूचर्स तो आज भी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है जी। लेकिन जो नवंबर वायदा है उसमें थोड़ी हल्की मुनाफा वसूली आई है। मुझे लगता है कुछ और समय ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस 5200 इस तरह हमें नवंबर वायदा में देखने मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल रिफाइंड सोया ऑयल में तेजी जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन एट द सेम टाइम सीपीओ और सोयाबीन में ऊपरी स्तरों पर दबाव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल में हल्की तेजी बनती भी नजर आ सकती है, लेकिन सीपीओ और सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी वाला रुझान आगे भी देखने को मिल सकता है, बिकवाली देखने को मिल सकती है।